अब माता सती शंकर जी की नहीं मानी, राम जी के परीक्षा लेने गई, फेल होकर आ गई। तब भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया, भगवान शिव ने माता सती का त्याग कर दिया। और जब त्यागे तो उसी समय शंकर जी 87,000 वर्ष की गहरी समाधि में चले गए। और जब समाधि खुली तो सती मां के पिता का नाम क्या था, क्या नाम था, क्या नाम बेटा बताओ? दक्ष प्रजापति, दक्ष की बेटी थी। तो दक्ष ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया। अच्छा, दक्ष ने भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया था यज्ञ में? क्योंकि एक बार भगवान शिव दक्ष की सभा में गए और दक्ष जब आए तो सबने दक्ष का सम्मान किया खड़े होकर, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को बुरा लगा कि मेरे सम्मान में शिव जी खड़े नहीं हुए, और बहुत गालियां दी भगवान शंकर को दक्ष ने। भरी सभा में खूब गालियां सुनी। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं? चढ़ाते हो? जल चढ़ाते तो हो। बताओ भगवान शंकर से आप लोगों ने क्या सीखा? जल चढ़ाने से कल्याण ना होगा मेरी मां। शंकर जी जो सिखाते हैं, शंकर जी की बात जो वो बताते हैं, वो मानने से कल्याण होगा, होगा? शंकर जी क्या सिखाना चाहते हैं आपको? आपने शंकर जी से कुछ भी नहीं सीखा, केवल पानी चढ़ा के आ गए, बिल्व पत्र चढ़ा कर आ गए। यदि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से ही सबका कल्याण हो जाता तो फिर वेद पुराण पढ़ने की, सही राह पर चलने की, दया धर्म की जरूरत ही नहीं है। फिर पानी चढ़ाओ कल्याण हो जाएगा, हाँ या ना? फिर जल चढ़ाओ हो गया कल्याण, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। दिन भर पति से लड़ो, पति को गालियां दो, शाम को जल चढ़ा दो, सवेरे जल चढ़ा दो। दिन भर अपनी माँ को गालियां दो, माँ के साथ उद्दंडता करो, सवेरे जल चढ़ा दो शंकर जी को ऊपर। लाभ क्या है? शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना आवश्यक नहीं है। शंकर जी ने जो अपनी लीला से, अपने स्वरूप से, अपनी वाणी से जो कहा है, वो हमें धारण करना चाहिए, उस राह पर चलना चाहिए जिस राह को शंकर जी ने हमारे लिए बताई है। अब क्या मैसेज है शिव जी से, चलो बताओ, फटाफट बताना। हाँ, जब दक्ष ने भरी सभा में शिव जी को गालियां दी, अपमानित किया, उस समय शिव जी ने क्या किया? क्या शिव जी ने पलटकर दक्ष को कोई उत्तर दिया? जोर से, जोर से। और आपको कोई एक बार गाली दे दे तो आप पलट के 10 बार उसको गालियां दे देते हैं, और चढ़ाते हैं शंकर जी को जल और कहते हैं हम शिव जी के भगत हैं। शिव जी का भक्त पलट कर जवाब नहीं दे सकता, तुझे देख लेंगे भगवान, हम क्या जवाब दें? शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भरी सभा में अपमान होता रहा शिव जी का, पर शिव जी का अपमान किया किसने? ससुर ने। तो मानो शंकर जी कहते हैं कि जब अपने लोग गालियां दें, अपने लोग अपमान करें, तो अपनों का अपमान हम करके क्या प्राप्त कर लेंगे? इसलिए वो कर रहे हैं, करने दो। कोई गैर होता तो उसे समझाते भी। शंकर जी तो वो हैं कि तीसरी आंख खोलते हैं तो कामदेव को जला करके भस्म कर देते हैं। शंकर जी चाहें तो पृथ्वी को डुबा सकते हैं, पृथ्वी के नियम को बदल सकते हैं, इतनी सामर्थ्य शिव जी में है। लेकिन वो अपने ससुर की गालियां सुन रहे हैं, मानो शिव जी कह रहे हैं कि अपनों से जब झगड़ा हो तो बोलना समझदारी नहीं है, सुन लेना समझदारी है। यह शिव जी का मैसेज है आपके लिए। लेकिन आपको मैसेज से क्या मतलब? आप कहां मानेंगे? आपको कोई सास एक बात कहे तो आप 10 कहना सुना दोगी?